शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर लोगों ने शहीद आजम को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और भारत की आजादी को लेकर भगत सिंह के योगदान को याद किया। शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर में देश भर में अनेक देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मसूरी में अनेक राजनीतिक दलों और आम लोगों ने शहीद भगत सिंह चौक पर भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि भगत सिंह ने फांसी के फंदे में झूलकर देश की आजादी में अहम योगदान दिया। वहीं मजदूर नेता आरपी बड़ौनी ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग भगत सिंह की कुर्बानी भूलते जा रहे हैं, पर कभी भी भगत सिंह की कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। और मैं चाहता हूँ और आपके माध्यम से जनता से भी निवेदन करता हूँ कि आज जो इस देश की जो स्थिति है वो देश जो है सांप्रदायिकता की ताकत की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन भगत सिंह के विचारों को कोई याद नहीं कर रहा है। भगत सिंह ने हंसते हंसते 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर अपनी सजा दी। उन तमाम सवालों को लोग भूल रहे हैं और जो बड़े बड़े महान क्रांतिकारी रहे हैं इस देश के अंदर, देश को आज़ाद कराने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनको आज सत्ता में बैठे हुए लोग जो है भूल रहे हैं। इन्हीं संदेश को लेकर भगत सिंह के विचार को आगे बढ़ाने के लिए आज हम मसूर में इकट्ठे हो रखे। भगत सिंह जी के आज 116वां जन्मदिन है और आज 116वां जन्मदिन के दिन मसूरी वासियों ने मिलकर सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया था, पुष्पांजलि अर्पित करी है। भगत सिंह जी की यादें ताज़ा है, भगत सिंह जी की क्रांति, भगत सिंह जी का योगदान, भगत सिंह जी का बलिदान हर युवा साथी में, हर नागरिक में है और आज अगर आज़ादी मिली है तो सिर्फ भगत सिंह जी की बहुत बड़ा योगदान है, इसे कोई भुला नहीं सकता। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।